मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे ना सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है, हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर देकर के बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा, लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। जो कहानी गुजरात से शुरू हुई, उस कहानी ने पिछले 6-7 साल में इस मुल्क में क्या उत्पात मचाया है, वो अब आपके हमारे सबके सामने है। एज अ नेशन, एक राष्ट्र के तौर पर हम एक अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऐसा संकट इस मुल्क ने पहले कभी नहीं देखा। हमारे संविधान पर हमला है, दिल्ली की सड़कों पर संविधान की कॉपी को जलाया जाता है, हमारे आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला है, हमारे देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है। आज भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बन जाए, उतना जहर नफरत एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली और नागपुर साथ में मिलकर फैला रहे हैं। इस परिस्थिति में एक पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं, बतौर एक भारतीय नागरिक, मैं अपने आप को ये जब सवाल पूछता हूं कि मेरा फंडामेंटल फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी क्या होना चाहिए, तो अंदर से जवाब यही आता है, कुछ भी करके इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए। बस एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है कि आप सबके मन में होगा कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की है, उस सवाल का जवाब दे करके मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा, माइक उनको समर्पित करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे ना सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।